वेलकम टू डिजिटल अध्यापक। यहाँ का अगला क्वेश्चन बेटा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज बेंट टू फॉर्म कंप्लीट सर्किल, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस वायर है, उसको बेंड करके एक सर्किल के फॉर्म में, ऐसे उसको एक वायर है उसको बेंड किया और सर्किल के फॉर्म में बना दिया। अब कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। कैसे हम लोग इनके डायमीटर के अपोजिट पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये वायर है जिसको आप बेंड करके सर्कुलर फॉर्म में ले लिया है। इस वायर को जब बेंड किए तो आपको ये डायमीटर है और यहाँ से इसको अगर आप मिटाते हैं, इंजेक्ट मिटा के आपको सर्किल बनाते हैं तो ये आपके पास एक सर्किल बना और यहाँ पे इसके डायमीटर पे हमको निकालना है। क्योंकि पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, हमको पता है कि आर की जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए तब होता है व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। इसको जब कांस्टेंट लेंगे तो ऐसा होगा। तो उस कंडीशन में आपके पास आर वन की वैल्यू आर टू के बराबर हो जाएगी। तो अगर ये पूरा 20 है तो आधा ये 10 हो जाएगा और ये 10 आधा हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग आर टू कंसिडर करते हैं तो ये आपका आर वन हो जाएगा। तो दो आपके पास रेजिस्टेंस मिलेंगे आर वन और आर टू, हम लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हिसाब से आर वन और आर टू दोनों किस फॉर्म में दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो आपके पास वन अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू होगा। तो अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, R1 into R2 और R1 plus R2 करेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 की वैल्यू कितनी है 10, ये कितना है 10 plus 10, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 20, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 ओम। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 5 ओम, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा जो आपको निकालना होगा। तो अगर किसी वायर को हम बेंड करते हैं जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है तो हम लोगों को पता है कि आर की प्रोपोर्शनलिटी एल के बराबर तब होती है जब एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। और जब कांस्टेंट होगा तो आर वन और आर टू की वैल्यू बराबर हो जाएगी और 20 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आर वन की वैल्यू 10 हो जाएगी, आर टू की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। तो आप जब इसको देखेंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिख रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू लगाएंगे, सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा 5 ओम। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू।